सोच के आप भी गूगल पे यूज करते हैं और आप अपना यूपीआई पिन भूल गए, अब आपको याद नहीं है कि कौन सा आपने यूपीआई पिन लगाया था, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे को यूज करने में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो भी यूपीआई पिन है उसको दोबारा रीसेट कैसे कर सकते हैं अपने गूगल पे ऐप में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो के लिए लाइक। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका गूगल पे ऐप है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, अपना पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ लगा के और ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप लोग ओपन करोगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपकी जो प्रोफाइल दिखेगी, प्रोफाइल का आपको फोटो दिखेगा ऊपर कॉर्नर में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका नेम देखने को मिल रहा है, आपकी प्रोफाइल फोटो देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ बैंक अकाउंट देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट जहाँ से लिंक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाला है फॉरगॉट यूपीआई पिन, जो कि आप देख सकते हैं। तो एक बार आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे कि आपको करना क्या है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसका जो भी आपका एटीएम कार्ड है उसके लास्ट के 6 डिजिट्स है वो यहाँ पे आपको लिखने होंगे, और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे आप लिख देते हैं उसके बाद यहाँ पर राइट की बटन पर टिक कर देना है और आप नेक्स्ट पर चले जाओगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके एटीएम से या फिर बैंक अकाउंट से, वो यहाँ पे उस पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप लोग ओटीपी को फिल कर दोगे उसके बाद आपका जो एटीएम कार्ड है उसका आपने पिन सेट कर रखा है, जो भी आप जैसे कि कोई एटीएम से आप पैसे निकालते हो तो आप जो भी पिन लगाते हो वो वाला पिन आपको डालना होगा। जैसे आप डाल देते हो उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि आप अपना नया यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, वहां से आप अपना नया यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं।